Hey guys, how are you all? I am Reena and welcome back to my channel. So guys, thank you so much for like, share and your subscription. So these days, honestly, I'm speaking, I'm getting really good response from you actually. I never thought कि आप लोगों को मेरी आइडियाज इतने पसंद आएंगे एंड आई हैड अ ड्रीम कि मैं मेरी जो क्रिएटिव आइडियाज़ है मेरी क्रिएटिव थाट्स है मैं कैसे आपके साथ में शेयर करूँ. दैट्स वाई आई हैव चूजन यूट्यूब बिकॉज यूट्यूब इज़ रियली गुड प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिव्स. सो या एंड आई प्रोमिस यू कि मैं आपके साथ में ज़रूर ऐसे ही वीडियोज लेके आया करूँगी एंड ऐसे ही मेरे क्रिएटिव थाट्स मैं आप सब लोगों के साथ में जरूर शेयर करूँगी. मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि मैं आपके साथ में कुछ जो करके वीडियो शेयर करो. सो आई थॉट क्यों ना मुझे बिगनर्स के लिए एक जोकर बनाना चाहिए एंड यस टुडेज वीडियो ओनली फॉर बिगनर्स. व्हाई आई एम मेकिंग दिस जोकर? नो आई एम नॉट मेकिंग दिस जोकर बिकॉज आई एम रिक्रिएटिंग दिस जोकर. व्हाई? कि बिगनर्स के लिए सारा स्टिचिंग एंड इतना सारा स्टफ कलेक्ट करना इट्स रियली डिफिकल्ट. सो मैंने उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है. दे हैव सम ओल्ड ज्वेलरीज, दे हैव कलेक्ट ज्वेलरी फ्रॉम देयर लोकल मार्केट एंड दे वॉन्ट टू डू समथिंग चेंजेस. मैंने आज यही सोचा है कि आज मैं आपके साथ में कुछ मेरे जुगाड़ू जो थॉट्स है वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ. सो एक्चुअली आई गॉट दिस चोकर फ्रॉम अहमदाबाद लोकल मार्केट. यू कैन सी ये ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. मैंने इसको पेंट किया है ऑनेस्टली एंड आई शो यू ये कैसा था. ये ऐसा था इस टाइप का. सो मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड मुझे कुछ यहाँ पे क्रिएटिव कुछ करना चाहिए. सो मैंने इसको लिटरली पेंट किया है एंड टुडे आई एम गोना शो यू हाउ कैन यू पेंट दिस चोकर एंड विच कलर यू हैव टू यूज फॉर मेटल्स. सो मैंने फैब्रिक के लिए तो आपको बता दिया है. सो मैं हमेशा कुछ मेरी हमेशा पर्टिकुलर कुछ चीज़ें रहती हैं मैं उनको हमेशा वही यूज़ करती हूँ. लाइक फैब्रिक ग्लू मेरा पर्टिकुलर मैं वही चीज़ यूज़ करती हूँ. सो मैंने ये जो 3D आउटलाइनर है वो मैं कॉलेज के टाइम से यूज़ करती हूँ. जब मैं एक्टिव कॉलेज में थी तब से मैं इसको यूज़ करती हूँ. मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है. सो मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ चीज़ों के साथ में. ये एक्चुअली है फैब्रिक के लिए बट मैं इसको हमेशा मेटल के लिए भी यूज़ करती हूँ एंड ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग ये आफ्टर वॉश के बाद भी नहीं जाता है. सो ये इसका सबसे गुड पार्ट ये है. सो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ 3D आउटलाइनर जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी. आप वहाँ पर जाके अपनी लोकल स्टेशनरी या फिर अमेजोन से परचेज कर सकते हैं. वाइट, येलो एंड ब्लैक दिस वन. सो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ एंड इस चोकर में इसको मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ. तो सबसे पहले हम पेंट करेंगे इसको. मैं इसको पहले ही पेंट कर दिया. सो आई शो यू द डेमो कि आप इसको कैसे पेंट कर सकते हैं. You can see I have 3 colors yellow, white and black. So green already इसमें है तो मैं green use नहीं कर रही हूँ. Actually choker already painted है. So मैं आपको एक demo बता रही हूँ earring paint करके. And मैं obviously अगर आपको earring पहनना है then आप इसको earring को भी paint कर सकते हैं. Otherwise paint आपको ऐसे करना है. After wash नहीं निकलेगा but you need to dry at least 4 to 5 hours. बिकॉज इसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. ड्राई जल्दी हो जाता है बट इसको सेट होने में टाइम लगेगा. सो कीप पेशेंस. आप इसको जल्दी मत पहनना अदरवाइज ये ख़राब हो जाएगा. एनीवे सो अभी हम इसको थोड़ा सा पेंट करते हैं. पेंट करने का बहुत ही आसान तरीका है. अब मैं ऐसे कलर्स ले रही हूँ जो थोड़ा से ब्राइट हो एंड अच्छा लुक आए. एंड अब मैं यहाँ पे ये जो है लक्ष्मी कॉइन यूज़ कर रही हूँ. ये बहुत फ्लैट है. आप ना इसमें क्वीन कॉइन यूज़ कर सकते हैं. एलिजाबेथ कॉइन कहते हैं जिसे. उर्दू कॉइन यूज़ कर सकते हैं. एंड ये जो चेन्स हैं इसका मैंने जो साइज़ रखा है वो 4 inches रखा है साइज़. एंड अगर आपको लॉन्ग बनाना है बहुत इजी है. आपको चेन्स की जो जितनी भी लेंथ है ना उसको इंक्रीज़ कर देना है. लाइक 10 inches मोर देन इनफ अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग बनाना है. एंड इवन आप यहाँ पे एंड पे कॉइन्स ना लगा के घुंघरू ऐड कर सकते हैं, टैसल्स ऐड कर सकते हैं. तो इसमें ना बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं आप. तो मैं बस यहाँ पे कॉइन कर रही हूँ बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मैं बिगनर्स के लिए बना रही हूँ ये वाला चोकर. तो उनको मैं इतना मुश्किल में नहीं डालना चाहती बिकॉज ऑलरेडी उनको इतना सब नहीं आता है. तो ये बहुत ईजी से स्टेप्स हैं जो कोई भी बना सकता है. इवन एक
अगर अगर मैं बात करूँ कोई किड ज्वेलरी, तो हाँ किड के लिए भी ये बहुत इजी है बनाना। बहुत फ्यू चेंजेस है एंड फ्यू चेंजेस के साथ में आप इसका कंप्लीट लुक चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग पसंद है, हैंड पेंटिंग, देन आप इसमें कर सकते हैं। सो या बहुत इजी ये तरीका है। सबसे ज़्यादा चेंज अटैच करने के बाद में ना यहाँ पे हमें अटैच करना है कॉइन्स, एंड कॉइन्स के साथ में अगर आपको घुंघरू अटैच करना है आप कर सकते हैं इसमें। अगर आपके पास में टैसल्स हैं आप टैसल्स यूज़ कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप ना फैब्रिक टैसल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है एंड बहुत यूनिक लगता है। लग गए हैं इसमें सारे कॉइन्स और लग गई हैं सारी चेन्स। अब हम इसकी बात करेंगे बैक की। अगर आपको डोरी ऐड करना है डोरी ऐड कर सकते हैं, बट सबसे ना ईजीएस्ट वे है कि आप इसमें चेन यूज़ करें। बिकेंस चेन एंड लॉक को ज्वाइन करना ना बहुत ईजी है कंपेयर टू द डोरी। बट अगर आपके पास में कॉटन डोरी है देन आप वो ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है। एंड येस, अगर आपके पास में कुछ और डोरी है फैब्रिक की आप वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। सो ये था आज का चोकर जो सबसे ज़्यादा ईजी है। इवन आई कैन से anybody can make this choker because it's very easy and very simple and very unique. So thank you so much for your love, your support. Obviously, सब कहते हैं because आपके support से ही मैं यहाँ पे हूँ and ये सच है। मैं आपके support से ही यहाँ पे हूँ because आपके views, आपके comment, आपके like, आपके shares ये सच मुझे बहुत motivate करते हैं। So bottom from my heart, thank you so much.